गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम वितान का लेसन टू राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का सारांश समझेंगे। जो प्रस्तुत पाठ है इसमें लेखक ने राजस्थान के पानी के विषय में बताया है कि राजस्थान में पीने के पानी को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो प्रस्तुत पाठ राजस्थान की रजत बूंदे प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र द्वारा रचित है, जिसमें राजस्थान की मरुभूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन किया गया है। कुएं का निर्माण राजस्थान में जल संरक्षण के लिए किया जाता है। जैसे हमारे इधर उत्तर प्रदेश साइड में क्या होते हैं, कुएं होते हैं, पानी का स्रोत कुएं होते हैं, ठीक है ना। कुएं का ही एक छोटा रूप है जिसे कुएं कहा जाता है। और ये कहाँ पर निर्मित की जाती हैं, कहाँ पर इनका निर्माण होता है, राजस्थान में निर्माण होता है। तो लेखक ने बताया है कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले लोगों को चेलबाजी या चिजारो कहा जाता है, यानी जो कुएं का निर्माण करते हैं जो लोग, उन लोगों को चेलबाजी या चेजारो कहा जाता है। और उनका काम चेजा कहलाता है, और यानी कुएं बनाने के काम को चेजा कहा जाता है। चेलबाजी या चेजारो कुएं के भीतर लगभग 30-35 हाथ तक खुदाई करते हैं। कुएं का व्यास बहुत ही संकरा होता है, व्यास यानी जो उसकी गोलाई होती है वो काफ़ी संकरी होती है, जिसके कारण खुदाई का काम बसौली से किया जाता है, बसौली यानी छोटी कुदाली। कुएं की गहराई में गर्मी को कम करने के लिए ऊपर खड़े लोग बीच बीच में कुएं के अंदर रेत फेंक करके करते हैं। कहने का मतलब कि कुएं में जब आदमी नीचे उतरता रहता है धीरे धीरे, तो वहाँ गर्मी बढ़ती रहती है, ज़मीन की गर्मी निकलती रहती है। तो जो ऊपर लोग खड़े रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रेत अंदर कुएं में डालते रहते हैं। क्यों डालते हैं, इससे क्या होता है, ताज़ी हवा जो होती है वो अंदर जाती है। क्योंकि जब रेत डालते हैं तो वो जो गर्म हवा है वो जगह कम होने के कारण एकदम ऊपर की तरफ आती है और बाहर निकल जाती है, और ताज़ी हवा अंदर प्रवेश कर जाती है। ऊपर से फेंकी जा रही रेत से बचने के लिए चेलबाजी अपने सिर पर धातु का एक बर्तन या टोपा पहन लेते हैं। जो चेलबाजी होते हैं अपने सिरों के ऊपर धातु का, जैसे कांसे का या पीतल का या लोहे का कोई बर्तन है वो अपने सिर पर पहन लेते हैं, ताकि ऊपर से जो वो लोग रेत फेंकें उससे उनको चोट ना लगे। दूसरा, वो संकरी होती है, हो सकता है मिट्टी या कोई पत्थर ऊपर से नीचे गिरे और उनके सिर पर लग जाए, तो इसलिए वो अपने सर के बचाव के लिए उसको पहन लेते हैं। कुएं का अर्थ है छोटा सा कुआं। सामान्य कुएं की तुलना में कुएं का व्यास बहुत कम होता है, लेकिन इसकी गहराई लगभग कुएं के समान ही होती है। गहराई में कुआं और कुएं बराबर होते हैं, जबकि उनका व्यास जो होता है वो अलग अलग होता है। कुएं का जो व्यास होता है यानी गोल घेरा होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, और कुएं का छोटा होता है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं में वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। हम कुएं का निर्माण क्यों करते हैं, कुएं का निर्माण इसलिए करते हैं जहाँ पर हमें दिखता है कि धरती के नीचे पानी है, वहाँ हम कुएं का निर्माण कर लेते हैं और धरती में से पानी कुएं में एकत्रित होता रहता है। जबकि कुएं का जो निर्माण होता है वो किस लिए होता है, जो बरसात का पानी है यानी वर्षा का जो जल है उसे जमा करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है राजस्थान में। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। वर्षा होने पर जल भूमि पर पड़ते ही रेत में समा जाता है। आपने देखा होगा कि रेत पानी को बहुत जल्दी अपने अंदर समा लेता है। यहाँ कहीं कहीं रेत की सतह के 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। तो राजस्थान में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 50 या 60 हाथ अगर हम खोदें तो वहाँ खोदने के बाद धरती के नीचे खड़िया पत्थर की एक परत चलती है, पट्टी रहती है पड़ी हुई, जहाँ वर्षा का जल रुक जाता है, बिल्कुल नीचे नहीं जा पाता, क्योंकि वह प्रायः खारा होता है। खड़िया पट्टी वर्षा जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। वो कहता है कि जो धरती का पानी है नीचे वो खारा होता है। कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, और वर्षा का जल अगर उस पानी में मिल जाए तो वो भी खारा हो जाएगा।
तो ये जो खड़िया पट्टी है, खड़िया पत्थर की जो पट्टी है, यह वर्षा के जल को अपने ऊपर ही रोक लेती है, धरती के जल में मिलने नहीं देती है, जिस कारण वह खारा नहीं हो पाता। क्लियर। खड़िया पट्टी वर्षा जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटककर नमी की तरह फैल जाता है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, पानी गिरने पर ये कण भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। ठीक है ना, वो कहता है कि पानी गिरने से जो रेत के कण होते हैं वो भारी हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते, जहाँ के तहाँ बने रहते हैं। जैसे मिट्टी पर अगर पानी डालो तो मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं, अपनी अपनी जगह छोड़ करके चिपक जाते हैं। कई बार इसीलिए हमने देखा है कि धरती फटी फटी महसूस होती है, लेकिन रेत में ऐसा नहीं होता है। पानी गिरने पर ये कण भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। यहाँ कुई के निर्माण से रेत में समाई नमी बूंदों में बदलकर धीरे धीरे रिसती रहती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। यह पानी खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा होता है। और ये पानी कैसा होता है पीने में? मीठा होता है। लेखक कहता है राजस्थान में पानी को तीन रूपों में बांटा गया है। जो पानी है राजस्थान का, उसके तीन रूप हैं। पहला है पालर पानी। क्या है? पालर पानी। दूसरा है पाताल पानी और तीसरा है रेजाणी पानी। जो पहला है पाताल पानी, ये सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है जो धरातल पर बहता है, इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। और जो दूसरा रूप है पानी का, पाताल पानी, यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का जो पानी है, वो पानी का तीसरा रूप है, उसे कहते हैं रेजाणी पानी। इसी पानी को राजस्थान वाले पीते हैं। रेजाणी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है, यानी धरती के जो अंदर जल है उस जल से ये रेजाणी पानी अलग रहता है, इसलिए खारा नहीं होता। इसी रेजाणी पानी को समेटने के लिए कुई का निर्माण किया जाता है। कुई की खुदाई या चिनाई के काम में जरा सी चूक हो तो चेजारो या चेलवाजी के प्राण भी जा सकते हैं, यानी जो कुई का निर्माण करते हैं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। ऊपर से फेंकी जा रही रेत कुई में काम कर रहे चेलवाजी को राहत देती है। कभी कभी कुई बनाते समय ईंट की चिनाई से मिट्टी का रोकना संभव नहीं हो पाता, इसके लिए लकड़ी के लट्टे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें चंग की रस्सी से बांधा जाता है। तो उसने बताया कि जब कुई का निर्माण होता है तो कुई खोद ली जाती है। जितनी कुई खोदी जाएगी एक दिन में, पहले उसकी चिनाई कर ली जाएगी। ठीक है, ईंट से उसकी चिनाई कर देंगे। अगर ईंट से चिनाई संभव नहीं होती तो लकड़ी के फट्टे लाए जाते हैं और उन फट्टों को मिट्टी के साथ चिपकाया जाता है और फिर रस्सी के उससे बांध दिया जाता है। ठीक है, रस्सी में फंसा फंसा के गोल घेरे बना करके और उसको उसमें फिट कर दिया जाता है ताकि मिट्टी नीचे ना गिरे। इस प्रकार से कुई का निर्माण होता है। आगे लेखक कहता है खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। कड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रोक दिया जाता है और जैसे ही खुदाई खड़िया पत्थर तक पहुंचती है वहां पर ही क्या होता है, काम रोक दिया जाता है। उसी क्षण नीचे धार लग जाती है और चेजारो ऊपर आ जाते हैं। राजस्थानी परंपरा के अनुसार कुई का काम पूरा होने के बाद चेलवाजी का विशेष ध्यान रखने के लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। और राजस्थान में क्या परंपरा थी? परंपरा के अनुसार क्या होता था, जो चेजारो होते थे, चेलवाजी थे, जो कुई का निर्माण करने वाले लोग थे, उन लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता था और कुई का काम पूरा होने के बाद उनके लिए एक विशेष भोजन का आयोजन किया जाता था। और जब उनकी विदाई होती थी तो उन्हें तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेजारों के साथ गाँव का संबंध अटूट हो जाता था। पूरे वर्ष के लिए, 30 त्योहारों के लिए, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट आदि सब चेजारों को दी जाती थी। साल भर की फसल में से उनको हिस्सा भी दिया जाता था। इस प्रकार से उनको काफ़ी सम्मान दिया जाता था। लेखक कहता है लेकिन अब चेलवाजों
और चेजारों को केवल मजदूरी दी जाती है। कुएं का व्यास कम होने के कारण इसे साफ रखने के लिए ढककर रखना आसान होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि कुएं का व्यास कम इसलिए रखा जाता है, उसकी गोल गहराई इसलिए कम रखी जाती है ताकि उसको आराम से ढका जा सके और उसमें गंदगी ना फैले। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खसकी पट्टी के तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का उपयोग किया जाता है। गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए इसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। जैसा आपने देखा होगा कई कुओं के ऊपर लगी रहती है घिरनी, जिसमें रस्सी फंसाई जाती है और वो गोल घेरा सा घूमता है और रस्सी नीचे चली जाती है। उससे फिर क्या होता है, बाल्टी खींचने में आसानी होती है। तो ठीक ऐसे ही कुएं के ऊपर भी बनाई जाती है। गाँव में हर एक की अपनी अपनी कुएं है तथा उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना होता है, लेकिन कुएं का निर्माण गांव समाज की सार्वजनिक जमीन पर किया जाता है। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। वो कहता है कि ये जो कुई बनाई जाती है सार्वजनिक स्थानों पर बनाई जाती हैं, और किसी ने अगर अपने आप भी वहाँ कुई बनवाई है तो उस पर जो है समाज का ही नियंत्रण रहेगा, वो उसे किसी और को पानी लेने के लिए मना नहीं कर सकता। कुई में से पानी कैसे निकाला जाता है, चमड़स से। क्या होता है, एक चमड़ा होता है, चौड़ा सा चकोर टुकड़ा चमड़े का, जिसे चारों तरफ से रस्सियों से बांधा रहता है और फिर उसको कुएं के अंदर उतारा जाता है, और अंदर जाने के बाद वो क्या होता है, बिल्कुल सपाट हो जाता है। ठीक है, पानी के नीचे बिल्कुल सपाट लेट जाता है और फिर जब हम रस्सी को खींचते हैं तो वो कटोरे का सा रूप धारण कर लेता है और इस तरीके से पानी ऊपर आ जाता है। उसमें से हम बाल्टी के द्वारा पानी नहीं निकाल पाते हैं कुएं में से। क्यों नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि उसमें बरसात का पानी आता है जो बूंद बूंद करके आता है और थोड़ा थोड़ा पानी ही इकट्ठा हो पाता है, ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, इतना पानी इकट्ठा नहीं होता कि उसमें बाल्टी डूब जाए। इसीलिए चमड़े के द्वारा बनाया गया वो चमड़स जो होता है उसके द्वारा पानी खींचा जाता है। लेखक कहता है, राजस्थान में रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी ना होने के कारण कुई हर जगह नहीं मिलेगी। तो राजस्थान में रेत के नीचे हर जगह खड़िया पत्थर नहीं बिछा हुआ है, कहीं कहीं है, जैसे चुरू में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर खड़िया पत्थर बिछा हुआ है धरती के नीचे। इस कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। इस प्रकार राजस्थान में कुई खड़िया पट्टी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देता है। और साथ में लेखक ने बताया है कि जो कुएं हैं उसको ढकने के कई कारण हैं, जैसे कि एक तो कुएं में पानी कम इकट्ठा हो पाता है तो उसके भाप बन के उड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा, उसे इसलिए ढककर रखा जाता है कि कोई जानवर उसमें ना गिर जाए, और पानी कम होता है, ठीक है, छोटी जगह होती है तो जानवर मर जाएगा तो वो सड़ जाएगा और पानी भी ख़राब हो जाएगा। तीसरा, कि राजस्थान में आंधी आती हैं, हवाएँ चलती हैं तो रेत हल्का होता है, बहुत जल्दी उड़कर कुएं में गिर जाता है, ठीक है, तो जिस कारण क्या होगा, पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, रेत पानी को पी जाएगा तो पानी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से कुएं को ढककर रखा जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ राजस्थान की रजत बूंद। अगली वीडियो में अगला पाठ समझाया जाएगा।